नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। नसरुल्लागंज, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। वहीं पूरे प्रदेश में 1 नवंबर से 7 नवंबर तक स्थापना दिवस के 7 दिन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद सहित विविध रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इसी संदर्भ में आज वन विभाग द्वारा ग्राम के लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम के शासकीय अशासकीय छात्र छात्राओं को आमंत्रित कर वनों पर आधारित चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शासकीय कन्याशाला को तृतीय स्थान, अशासकीय लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल को द्वितीय स्थान व शासकीय हाई स्कूल को प्रथम प्राप्त किया। वहीं वन विभाग द्वारा सभी छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र के साथ मेडल दिया गया, तो वहीं प्रथम द्वितीय इनाम के लिए शील्ड वितरण की गई। इस मौके पर वन विभाग के रेंजर के साथ समस्त स्टाफ व शासकीय अशासकीय स्कूल के छात्र छात्राएं अध्यापक मौजूद रहे। स्थापना दिवस के छठवें दिन वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण जागरूकता एवं संवर्धन के लिए हमारे द्वारा वन विभाग लाड़कुई एवं मंडल सीहोर द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित किया गया, जिसके माध्यम से हम छात्र छात्राओं में वन एवं वन्य जीवों के प्रति अवेयरनेस और उनको जागरूक करना चाहेंगे हम कि वो वनों, प्रकृति एवं पर्यावरण को बचाने में नसरुल्लागंज से खबर समय जगत के लिए हेमंत वैष्णव की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।